राजस्थान सरकार ने अलग अलग विभागों में काम कर रहे संविदा कर्मियों को परमानेंट करने का फैसला लिया है। इस फैसले के बाद राजस्थान में 1,00,000 से ज्यादा संविदा कर्मी परमानेंट हो जाएंगे और इसके लिए सरकार जल्द ही सेवा नियम बनाएंगे। इसके साथ ही इनकी सैलरी और सुविधाएं भी बढ़ा दी जाएंगी। शिक्षा मंत्री डॉ बी डी कल्ला ने इसकी जानकारी दी और उन्होंने बताया कि किसी विभाग में यदि 5,000 पदों पर भर्ती हो रही है तो उस विभाग में काम कर रहे संविदा कर्मियों को उन भर्तियों में एडजस्ट किया जाएगा। मंत्री डॉ बी डी कल्ला ने बताया कि राज्य सरकार इस तरह सभी संविदा कर्मियों को परमानेंट करेगी। सीएम गहलोत की अध्यक्षता में हुई बैठक में संविदा कर्मियों के सेवा नियमों को लेकर फैसला हुआ है। सभी विभागों में काम कर रहे संविदा कर्मियों के लिए एक समान सेवा नियम बनाए जाएंगे। पहले भी प्रदेश सरकार ने कई बड़ी भर्तियां की है और इसी तर्ज पर अब सरकार नई भर्तियां निकालने का बड़ा फैसला करने जा रही है। इससे विभागों में सालों से काम कर रहे संविदा कर्मियों और उनके परिवारों को राहत मिलेगी। इस फैसले से उनकी सैलरी बढ़ेगी, सरकारी नौकरी की सुविधाएं और दूसरे फायदे भी उन्हें मिल पाएंगे। बुधवार को हुई गहलोत कैबिनेट की बैठक में राज्य और केंद्र सरकार की अलग अलग स्कीम, प्रोजेक्ट, प्रोग्राम के इंप्लीमेंट के लिए एक तय अवधि के लिए रखे जाने वाले कर्मचारियों की संविदा नियुक्ति के लिए राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट टू सिविल पोस्ट रूल्स 2021 बनाने का अप्रूवल किया गया है। कैबिनेट के इस फैसले से मैन पावर की जरूरत पूरी करने के लिए ऐसे कर्मचारियों को संविदा पर अपॉइंट किया जा सकेगा। लंबे वक्त से संविदा कर्मी उन्हें रेगुलर करने की मांग उठाते आए हैं। संविदा कर्मियों के संगठनों की सरकार से कई बार बातचीत हुई है। कांग्रेस ने भी इस चुनाव से पहले उनकी मांग पूरी करने का वादा किया था। संविदा कर्मियों को परमानेंट करने के लिए अलग से नियम बनाए जाएंगे, लेकिन यह बताया जा रहा है कि उन्हें नई भर्तियों में एडजस्ट किया जाएगा। यदि किसी भी डिपार्टमेंट में कोई नई भर्ती निकलती है तो उनमें संविदा कर्मियों का एक कोटा फिक्स किया जाएगा। इन्हीं नई भर्तियों में उन्हें एडजस्ट करके परमानेंट करने का प्लान तैयार किया जा रहा है। सरकार इस तरह से करीब 1,00,000 से ज्यादा संविदा कर्मियों को एडजस्ट करेगी। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।